भाजपा नेता की मौत पर कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया जुलूस, नीतीश का जलाया गया पुतला। छोड़ाही बेगूसराय प्रखंड क्षेत्र के दौलतपुर मालीपुर पथ के अंबेडकर चौक बखड्डा से विद्यापति चौक बड़दाहा तक जुलूस भाजपा के पूर्व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राम कुमार वर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। वापस अंबेडकर चौक बखड्डा जुलूस को विराम देते नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। श्री वर्मा ने कहा, नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा नेता की हत्या हुई है, यह जघन्य अपराध है। बिहार की जनता भलीभांति वाकिफ है कि कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी करने में कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे जमीन रहे या जाए। नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विरोध में नारे लगाते छोड़ाही बाजार में जुलूस के माध्यम से जनता को बिहार में शिक्षा नीति पर सतैला व्यवहार बिहार के युवाओं के साथ संदेश करने का दिया है। बिहार में बेरोजगारी जमीन की धूल चाट रही है, किंतु उन्हें प्रधानमंत्री का ख्वाब देखकर पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रित बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए ऐलान किया है, जो बिहार के युवाओं के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। डॉक्टर कलाम, धर्मेंद्र प्रसाद सिंह, शंकर साहू, मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार यादव, सुचित कुमार, कन्हैया कुमार सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। कल विधानसभा मार्च कर रहे थे, उसमें हम स्वतंत्र प्रेम भाव से यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दरमियान में हमारे जहानाबाद के एक कार्यकर्ता को नीतीश कुमार लाठी डंडा से मर्डर कर दिए, जिसमें 2000 साथी को पैर टूटा, हाथ टूटा, सिर फूटा, 50,000 कार्यकर्ता को लाठी की चोट आई। यह सरकार निकम्मी है, अपनी छवि बचाने के लिए नीतीश कुमार को जो विरोध करता है, जो समय पर सिस्टम पर लाता है। तेजस्वी यादव कहे थे, हम मुख्यमंत्री बनते हुए 10,00,000 का रोजगार देंगे। जिस समय बीजेपी की सरकार थी, नीतीश कुमार का गठबंधन सरकार था, उस समय जो नियम से हम बहाली कर रहे थे, वही सिस्टम से ही बहाली करें। आज कहते हैं कि हम बाहर का मंगाएंगे। आज बाहर का बच्चा आके बिहार में जॉब करेगा, मेरा बिहार का बच्चा क्या डकैती करेगा, चोरी करेगा, कौन काम करेगा? और नीतीश कुमार का यह उदयर करने पर वह लाठी चलवाता है और मर्डर करवाता है। यह मर्डर का हकदार नीतीश कुमार है। हमारे नेता कल सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को लोकप्रियता बढ़ने के कारण यह मर्डर करने के लिए सोचा, इसलिए कार्यकर्ता चारों तरफ से घेरे हुए था। लेकिन बिहार सरकार की पुलिस नीतीश कुमार के इशारे पर हमारे 2000 कार्यकर्ता को हाथ पैर तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए, जिसमें एक मेरा सांसद भी ऐसा हो जिसका वाइस रनिंग का सिक्योरिटी था, वो कहते रहे कि मैं सांसद हूँ, तब पर भी वो नहीं माने और उनको कह के ठीक है आप भागे, और भागाने के चक्कर में पीछे से लाठी वार करते करते उनको सर फोड़ दिया। हम उस जगह प्रेजेंट मौजूद खड़ा थे।